एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाइड योर आंसर। जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या ये सही है या गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसके लिए हमको इसको जस्टिफाई करना है। दिया गया एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर प्रत्येक जो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं क्या वो रियल नंबर हैं, तो लिखेंगे ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि बताते हैं आपको, पहले लिख लेते हैं एज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्योंकि प्रत्येक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो कलेक्शन होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर वो होते हैं जितने भी संख्याएं हैं, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हों, पूर्ण संख्याएं हों, परिमेय संख्याएं हों या अपरिमेय संख्याएं हों या पूर्णांक हों, वो सब हमारे रियल नंबर में आते हैं, इसलिए ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। क्या प्रत्येक नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट जो है रूट फाइव रूट यम के रूप में लिखा सकता है, जहाँ पर रूट जो यम है ये नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे फॉल्स। फॉल्स रीजन है कि देयर आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑन नंबर लाइन बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट यम, यम बीइंग ए नेचुरल नंबर, क्योंकि जो है दो रूट टू और रूट फाइव के रूट थ्री के रूप अगर है ऐसा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम इसके रूप में रूट एम के रूप में प्रेजेंट नहीं कर, जिसको हम रूट एम के रूप में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एम है ये क्या है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हम 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं, ना कि रूट में लिखते हैं, इसीलिए जो है इसको हम इस पर प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आगे है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रत्येक जो रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर है, लिखेंगे फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल नंबर भी होता है, और जो रेशनल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है, इसीलिए जो है फॉल्स है। इसको लिखेंगे बिकॉज रियल नंबर ए रेशनल नंबर, इस तरह करके हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जितने भी
स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीग्रल्स के, क्या वो इरेशनल हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं तो गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देना है ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो अगर नहीं है तो हमको एक जो है एग्जांपल देना है। तो लिखेंगे नॉट, सॉरी नहीं है, क्योंकि जो है क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे रूट एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल रूप में देखते हैं तो रूट फोर, जैसे रूट फोर ये टू है, रूट फोर का जो अगर हम इसको स्क्वायर रूट करते हैं तो ये टू आ जाता है, इसीलिए ये हुई चीज है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब आपको लगेगा टू रेशनल नंबर कैसे हो गया, क्योंकि टू के नीचे वन है, जब टू लिखा गया है तो इसके नीचे वन है, इसलिए ये जो है रेशनल नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे नॉट, क्योंकि जो है रूट फोर अगर हम लेते हैं, रूट नाइन लेते हैं, तो ये हमारा क्या आता है, एक रेशनल नंबर आ जाता है, रेशनल नंबर में आ जाता है, जो कि इसीलिए जो है ये रेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए नॉट लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कैसे जो है हम रूट फाइव को नंबर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संख्या रेखा की बना के, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, इसको एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, इसका नाम दे देंगे ओ, और इधर 2 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे, इसलिए जो है यहाँ पे हम लिख देंगे बी, और इधर हम दो भाग में इसको डिवाइड कर देंगे, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और एक परपेंडिकुलर यानी लंब ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे ए, और ये यहाँ से लेकर फिर बता देते हैं, ये पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का दो ले लेंगे, 1 2, और इधर जो है हम 1 सेंटीमीटर का इधर एक परपेंडिकुलर ले लेंगे। अब जो है इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, अब जहाँ पे ये बन रहा है इसको हम जो अगर यहाँ तक मिला के लेके आते हैं, तो जहाँ पे ये आ रहा है ये पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रूट फाइव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर और एक ये है। जब पाइथागोरस लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करते हैं, तो हमको ये इसको निकालना है ए बी, देख लेते हैं पूरा सॉल्व करके, ए ओ स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ बी जो है यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 2 लिख लेंगे और इसको हम ए लिख लेंगे, तो ए ओ निकालेंगे तो ए ओ का तो ऐसे ही आ जाएगा इक्वल, और इधर हमारा 2 का 4, इधर 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा इधर आ जाएगा 5, और इधर ए ओ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो हमारा ये रूट में आ जाएगा, और इधर हमारा रूट फाइव हो जाएगा। तो रूट फाइव जहाँ पे, अब यहाँ से जो है जहाँ तक एक आर्स ले लेंगे, जो कि जहाँ पे लाइन पे जहाँ पे वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम नाम दे देंगे सी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट फाइव। तो हम इसको जो है रूट फाइव लिख लेते हैं। अब इसको लिखना कैसे है देख लेते हैं, टू रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन नंबर लाइन टेक ओ बी इक्वल टू, जो ओ बी लिए हैं ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट, एंड मेक ए परपेंडिकुलर ए बी, एक परपेंडिकुलर ए बी बना लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एट बी सच डेट सच डेट
ए बी इक्वल वन यूनिट, जो कि जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक ये वन यूनिट है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये टू यूनिट है। तो हमारा ये हमारा हो जाएगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा रूट फाइव यहाँ निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि ये अगर हम इसको निकालना है तो इसको स्क्वायर और इसका स्क्वायर को प्लस कर देते हैं तो हमारा ये आ जाता है कर्ण। लंब और आधार को अगर हम ले लेते हैं तो हमारा ये हाइपोटेनस आ जाता है। तो लिख लेंगे नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम द लेंथ ऑफ ओ ए, ओ ए यहाँ से यहाँ तक इज रूट फाइव। नाउ टेकिंग ओ सेंटर, ओ को सेंटर लिख के जो है एक हम अर्थ लगा देंगे इधर राउंडर से, सेंटर एंड ओ एज रेडियस, इसको रेडियस ले लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस ले लेंगे ऐसे, और इसको हम इसको ऐसे कर देंगे मार्क एन आर्स ऑन ओ बी व्हिच इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कट रहा है ये सी एट सी हेंस ओ सी जो ओ और सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या हो जाएगा रूट फाइव। अब अगर इसको नंबर लाइन पे दर्शा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा क्या हो जाएगा रूट फाइव, क्योंकि इन दोनों को मिला के क्या बना हुआ है रूट फाइव यहाँ से लेकर यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ से लेकर इसको हम कर्व कर देंगे तो हमारा ये रूट फाइव आ जाएगा। तो ये आपका ये चैप्टर 1.2 जो है समाप्ति हो चुकी है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू।